हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस म्यूजिक इंडिया। आरएस म्यूजिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि आरएस म्यूजिक इंडिया के नाम से है। इंस्टाग्राम पेज भी है आरएस म्यूजिक 1790 के नाम से, ठीक है। आरएस म्यूजिक 1790 इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, तो उस पर भी ये इस प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि बहुत सारा मैटर, बहुत सारे पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम पर मिल सकते हैं, और जो पहले से पढ़े हुए हैं वो भी मिल जाएंगे और आगे जो भी आएंगे वो भी मिलेंगे। ओके, तो इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, बुक्स हम आपको बताएँगे, और सभी बुक्स का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, क्योंकि सारी बुक्स का एक प्रोफाइल मैंने बना दी है, तो सारी बुक्स का प्रोफाइल एक खुल के आ जाएगा एक ही लिंक से, और सारी बुक्स आप आराम से देख करके, और जो भी आप बुक्स लेना चाहें वो बुक्स आप ले सकते हैं, या जो बुक्स आपके पास पहले से है तब फिर उसकी कोई बात ही नहीं है, और अगर जो नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई कैन एंड आई विल, मतलब ये विश्वास आपका होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ये विश्वास अगर आपके अंदर होगा तो आप डेफिनेटली, जीत आपकी होगी। और चलते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रही है नेट संगीत। ओके, नेट संगीत बुक है ये, हमारे गुरुजी जो कि डॉक्टर तेज सिंह टाक जी हैं उनके द्वारा लिखी गई है, आप देख रहे हैं नीचे नाम। और ये बुक यूजीसी नेट हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो म्यूजिक का, जैसे कि टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस का है, नवोदय का है, डीएसएसबी का है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक आपको हेल्प करेगी बहुत अच्छे से। इसमें 50-50 वर्ड के बहुत 500 के समथिंग टॉपिक हैं इसमें, एंड 300 वर्ड के 70 टॉपिक हैं। इस प्रकार से एक में इसमें 90% हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की जो थ्योरी है वो इसमें समाहित की गई है। और इस बुक की एक खास बात ये भी है कि इसी बुक में द्वितीय संस्करण की भूमिका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको हमारा नाम देखने को मिलेगा, राघवेंद्र सिंह, क्योंकि इस बुक में कुछ काम करने का मौका हमें भी मिला था। तो पहले नंबर पे हमारी बुक है नेट संगीत। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक में की लिस्ट में हमारे सामने है राग परिचय भाग 1, 2, 3 और 4। ये राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4 ये बुक्स प्रोफेसर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। इसमें भाग 1 आपकी 9th स्टैंडर्ड और हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल की है, भाग 2 में 11th 12th के लेवल की है, और भाग 3 आपकी ग्रेजुएशन लेवल, और भाग 4 में आपका पीजी लेवल का है। कहने का मतलब है कि जो बेसिक डिप्लोमा लेवल के लिए भाग 1 और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो डिप्लोमा होते हैं प्रयाग संगीत समिति के या आपके विद्यापीठ के, और इसके अलावा विशारद या प्रभाकर लेवल के लिए आपका भाग 3, और जो निपुण पारंगत या एमए लेवल के लिए आपका भाग 4, ठीक है। तो जिन लोगों का बेसिक सही से अच्छे से कवर नहीं है, बेसिक कवर करना चाहते हैं, तो वो इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर हमारे हिसाब से, तो आप अगर इनमें से, अभी हम बताएंगे लास्ट में कौन कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी ही चाहिए, या आपके पास पहले से हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है इनमें से कोई, कुछ बुक्स छूट रही हैं तो वो आपके पास होनी ही चाहिए,
क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो चलते ही रहते हैं, और एग्ज़ाम के बाद अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं, कहीं आप जॉब में भी जाएंगे, तो भी आपको बुक्स की ज़रूरत तो लाइफ टाइम पड़ेगी, क्योंकि आप जब आप खुद ही टीचिंग करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी बुक से आपको एक ही टॉपिक को देखना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से टॉपिक को तैयार कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक हमारी है UGC NET JRF। अब ये है तो UGC NET JRF के लिए, लेकिन अगर आप UGC NET JRF का भी एग्ज़ाम देते हैं, TGT का भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब सभी प्रकार के आप एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से है तब कोई बात ही नहीं इसमें, क्योंकि अब ये UGC NET JRF का के नाम से है, तो इसमें लगभग लगभग पूरा ही जितना भी शास्त्रीय संगीत का जो सिलेबस है होता है, या जितने भी टॉपिक होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक है वो है ये संगीत अभिलाषी। आप देख रहे हैं वॉल्यूम सेकंड लिखा है, HG जुपिटर सीरीज। तो इसका जो वॉल्यूम 1 है वो है संगीत मैनुअल, आपने देखी भी होगी, अभी इसी में हम दिखाएंगे आपको, संगीत मैनुअल है। ठीक है, वो कौन सी है वो बताते हैं, ये है वॉल्यूम 1, ये है इसका ही वो सेकंड है। ठीक है, तो ये भी HG जुपिटर सीरीज, इस पर आप देख रहे हैं, तो ये आती थी, इसके बाद ये लेटेस्ट में अभी ये वाली बुक पब्लिश हुई है। तो इस बुक में भी आप देख रहे हैं UGC NET JRF लिखा हुआ है, तो ये बुक भी आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और बहुत अच्छा इसका कंटेंट है, हमने देखा है इसको खोल करके और पढ़ा भी है थोड़ा सा, तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये R गुप्ता कृत है UGC NET संगीत, अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लें तो ये ऑप्शनल में समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन जिन बुक्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आपको लेना ही चाहिए, वो तो आप ज़रूर लें। ये है हमारे गुरुजी की दूसरी पहली बुक, सुबोध संगीत शास्त्र भाग 1। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, नेट परीक्षा विशारद BPA आदि के लिए, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या TGT ले लो, PGT ले लो, सब के लिए ये काम करेगी। ओके, और इसके बाद एक बुक और है, इसी का पार्ट 2 है, वो ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स को और स्टार्टिंग में जो मैंने नेट संगीत बताई थी, इनको तो आप लेना, अगर हमारी बात माने तो आप इनको ले ही लें, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे ये बुक्स। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, और अगर आप सभी बुक्स को अगर आप अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर, तो इसके बारे में बताया था मैंने आपको अभी, और इस बुक के बारे में बहुत सारे लोगों पहले से जानते होंगे, और बहुत सारे लोगों के पास ये बुक होगी भी। ओके, तो ये स्पेशली UGC NET JRF के लिए ही है, और अब जब NET JRF की बात करते हैं तो छोटे एग्ज़ाम तो कवर हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप UGC NET JRF की प्रिपरेशन करते हैं तो TGT PGT KVS वगैरह के ये एग्ज़ाम तो आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर, तो ये कुछ यूथ कंपटीशन टाइम की, ये NTA UGC NET की एक बुक है। ठीक है, म्यूजिक की ही है, बट मैंने उसको इस बुक को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट बुक की ओर, ये DSSSB के लिए है, और अभी जो वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर वो कैंसिल हुई थी, तो जब इसकी वैकेंसी आए तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ और बुक्स देखते हैं। हाँ, ये बुक है आपकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक TGT चयन परीक्षा सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट, ये तो आपके लिए मस्ट है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसमें पिछले पेपर भी दिए हैं जो कि सॉल्व करके दिए हुए हैं, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी है। और एक बुक हमारे पास है जिसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या आप उस बुक को लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो शिल्पी पब्लिकेशन की है, बट आप इसको तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगी ये TGT की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर, ये है KVS TGT। तो KVS TGT हो या TGT तो नहीं होता, KVS में PRT ही होता है प्राइमरी लेवल पर,
बट इसमें लिख दिया इन्होंने। तो ये बुक भी अगर आप लेते हैं तो आपके KBS के लिए तो काम करेगी ही करेगी, प्लस आपका TGT में भी काम करेगी और PGT में भी कुछ ना कुछ मैटर इसमें से ज़रूर आपका आएगा। ओके, तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट बुक के लिए रिकमेंड करेंगे हम आपको प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, मतलब कि PGT के लिए, ठीक है। तो PGT संगीत के लिए आप उपकार पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं, डॉक्टर निशा रावत जी की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी लास्ट बुक है। तो आपको अब मैं रिकमेंड करूँगा ऑर्डर में, एक तो आप इस बुक को ले लें अगर हमारी बात माने, दूसरा इसको लेना चाहें तो ले लें, बट इसको ज़रूर लें आप, ठीक है। ये बुक है, इसको आप ज़रूर लें। इसके बाद आप इस बुक को लें, इस बुक को भी लें, एंड इस बुक को तो ज़रूर लें, ठीक है। और ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये बेसिक टॉपिक तैयार करने के लिए ये ज़रूर लें, राग परिचय भाग 1 से लेकर 4 तक, और ये नेट संगीत। इन बुकों में फिर से एक बार रिवर्स कर देते हैं, नंबर 1 नेट संगीत, ये चारों बुक्स, 2 तीसरे नंबर पर हम आपको बोलेंगे कि संगीत अभिलाषी वॉल्यूम 2 ज़रूर आप परचेज करें, 3 इसके बाद, चौथे नंबर पर शुभ संगीत शास्त्र, 5वें नंबर पर शुभ संगीत शास्त्र भाग 2, एंड 6वें नंबर पर TGT और KBS TGT संगीत, ठीक है, या प्रवक्ता, इन बुकों में से। और फिर आपकी इंटरेस्ट के ऊपर आप कौन सी लेना चाहते हैं, जो मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी। और इन सभी बुक्स का एक स्टोर लिंक, इन सभी बुक्स को मैंने एक अमेजोन स्टोर पर लिंक करके रखा है सभी को, ठीक है, जिससे कि आपको एक ही लिंक से जा कर के सारी बुक आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप एक ही लिंक पे क्लिक करके सारी बुक्स को देख सकते हैं और फिर अपने हिसाब से आप उनको घर बैठे मंगा सकते हैं बाई पोस्ट अमेजोन से, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ बुक्स के बारे में बताएंगे, और हो सकता है इन्हीं में से एक एक बुक्स के बारे में डिटेल में हम बताएं आपको। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि UP TGT और PGT बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो और आने वाले टाइम में KVS नवोदय की भी वैकेंसी आती ही रहती है, सो आई होप वो भी आने ही वाली होंगी। तो बस इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।